गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ चार शब्द और वाक्य का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और इसे याद भी करेंगे रिवीजन में, और आपका ये पीटी फर्स्ट में आएगा भी। इससे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे यहाँ पे प्रश्न दिया है, फर्स्ट यहाँ पे है, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं, ये शब्द सार्थक होते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ को हम शब्द कहते हैं, या अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं, जो शब्द सार्थक होते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे कलम, तलवार, नर्स आदि, ये शब्द क्या है? सार्थक हो है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दिया है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य, प्रश्न नंबर दो यहाँ पे लिखा है, प्रश्न नंबर, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ को वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे दिया है, बिमला प्लस पत्र लिखती है, ये अलग अलग शब्द हैं। इसको हम अगर प्लस ये हटा करके इसको हम करेंगे, एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बिमला पत्र लिखती है। यहाँ पे आप लोग देखें, सब वाक्य बना शब्दों से मिलकर, ये अलग अलग शब्द हैं और शब्दों से मिलकर क्या बना? वाक्य, बिमला पत्र लिखती है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो ये हो गया आपका पाठ चार का प्रश्नोत्तर। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पीटी फर्स्ट में इससे ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग को टिक लगाने होंगे। धन्यवाद।